बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने मुझे टेलीफोन करके कहा कि विपक्ष बहुत बड़ा है, कहीं से चला हुआ है। लेकिन मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि सबके सहयोग के साथ इतना स्मूथली ये विधानसभा चली है, इससे पहले इतना स्मूथ कभी भी विधानसभा नहीं चली। मेरे को भी 32 साल हो गए इस विधानसभा में बैठे हुए, 32 साल में इतने अच्छे माहौल के अंतर्गत कभी भी विदाई नहीं हुई। आज इस प्रकार से विदाई हो रही है माननीय सदस्यों की, इसके लिए सारे माननीय सदस्य, जैसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा बिना प्रतिपक्ष के सदन सही तरीके से चलाना मुश्किल, बहुत कम कटुता हुई। यहां पर कहा कि कटुता हुई, मेरे को नहीं लगा कहीं कोई कटुता हुई। पहले सत्र पर हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग उन्हें इन 8 दिनों के अंतर्गत जितनी तन्मयता और जितनी तत्परता के साथ इस सदन को चलाने में सहयोग दिया है, इसके लिए मैं सभी सम्मानित सदस्यों को आभार व्यक्त करता हूं, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कई अफसरों के ऊपर इस बात को कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन था देश में बहुत नेगेटिव था। लोकतंत्र में संस्थाएं जीवित रहनी चाहिए, संस्थाओं का सम्मान बना रहना चाहिए। जैसे हम विधानसभा के विधायकों की बात करते हैं, मंत्रियों की बात करते हैं, विधानसभा सदस्यों की बात करते हैं, तो एक बहुत अच्छा मैसेज लोगों की आवाज नहीं आती थी। लेकिन आज उस अच्छे आवाज की शुरुआत इस सत्र के पहले सदन के अंतर्गत, इस विधानसभा के 18वें सदन के पहले सदन, हम पूरे प्रदेश में हम सब लोगों ने दी। जनरली जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे चर्चा करी, उन्होंने कहा कि ई विधान लागू तत्परता के साथ तेजी के साथ किया जाए, तो जब मैं ई विधान लागू करने के लिए यहां पर आए, 1.25 महीने के अंतर्गत हमने उसको लागू किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा उसकी मॉनिटरिंग करी, तो लोगों, मैंने देखा फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, ये उत्तर प्रदेश के विधायक भी इसको चलाएंगे क्या, क्योंकि नेगेटिविटी एक स्वभाव है लोगों का। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, हमारे प्रत्येक सदस्य ने बड़ी तत्परता के साथ इसको चलाया, और अधिकांशता सदस्यों ने, मैंने देखा हूं यहां पर मैं बैठता हूं तो मेरे को ऊपर से सारे माननीय सदस्य दिखाई पड़ते हैं कि अधिकांशता सदस्यों ने हार्ड कॉपी का उपयोग नहीं किया और उन्होंने इसी टैबलेट से अपने पूरी की पूरी कार्रवाई की। मैं आप सब लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो लोग जनरली समझते हैं कि विधानसभा में जो जाते हैं उनको कुछ पता नहीं होता, हमारे विधानसभा में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, बड़ी संख्या में इंजीनियर्स, बड़ी संख्या में प्रोफेशनल्स, बड़ी संख्या में एग्रीकल्चर क्षेत्र के अंतर्गत काम करने वाले विद्वजन, और बड़ी संख्या के अंतर्गत जो छोटे तबके से आते हैं, हमारे पास एक सफाई कर्मचारी है जो सीधा सफाई कर्मचारी से चुनकर यहां पर विधानसभा का सदस्य बना है, उसकी प्रतिबद्धता समाज के प्रति, मैंने इस बात को बोला है, मैंने ग्रुप्स के अंतर्गत मैंने चर्चा करी, मैंने कहा ग्रुप्स के अंतर्गत हम सबको बुलाएंगे, सबके साथ बैठकर बातचीत करेंगे। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि नेता प्रतिपक्ष ने, जिन्होंने बहुत उच्च शिक्षा के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां करी है, जितना उन्होंने इस सदन को चलाने में सहयोग दिया, मैं नेता प्रतिपक्ष को और उनके सारे सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सारे माननीय नेताओं ने, मैं चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे सुहेलदेव पार्टी के हों, चाहे अपना दल के हों, चाहे निषाद राय पार्टी के हों, चाहे राजा भैया हो, चाहे जनता दल हो, चाहे BSP हो, सबका बहुत सहयोग। मेरे को भी 32 साल हो गए इस विधानसभा में बैठे हुए, 32 साल में इतने अच्छे माहौल के अंतर्गत कभी भी विदाई नहीं हुई। आज जिस प्रकार से विदाई हो रही है माननीय सदस्यों की, इसके लिए सारे माननीय सदस्य, जैसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा कि बिना प्रतिपक्ष के सदन सही तरीके से चलाना मुश्किल, बहुत कम कटुता हुई। यहां पर कहा कि कटुता हुई, मेरे को नहीं लगा कहीं कोई कटुता हुई, कोई एक आधी बात में, एक आधे अवसर के ऊपर कोई बात हो जाती है उत्तेजना के अंतर्गत, लेकिन वो सारे के सारे सबसाइड हो जाती है। मुझे मालूम है कि जिस समय अधिष्ठाता दो अवसर ऐसे आए, जिस समय यहां पर अधिष्ठाता मेरे सम्मानित सदस्य यहां पर बैठे हुए थे, तो मैं अपने ऑफिस में था, मैंने देखा कि किसी बात को लेकर कुछ थोड़ा सा बात हुई और हमारे माननीय सदस्य प्रतिपक्ष के वेल में आ गए। 2 बार ऐसे अवसर मेरे को, जैसे हमारे प्रमुख सचिव ने बोला कि सर आप वहां पर आप ही संभाल सकते हैं, तो जैसे मैं यहां आकर बैठा और मैंने उनसे निवेदन किया कि आप अपनी सीट पर जाकर बोलिए, मुझे दूसरी बार नहीं कहना पड़ा और हमारे सारे सदस्य अपनी सीट के ऊपर जाकर बोले। जिस समय मुझे इस सीट के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपको ये जिम्मेवारी का निर्वहन करना है, और माननीय नेता प्रतिपक्ष और सब लोगों ने जिस समय मुझे यहां पर सीट पर बिठाया, तो मेरे पास एक चैलेंज था। बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने मुझे टेलीफोन करके कहा कि विपक्ष बहुत बड़ा है, कहीं से चला हुआ है।
लेकिन मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि सबके सहयोग के साथ इतना स्मूथली ये विधानसभा चली है। इससे पहले इतना स्मूथ कभी भी विधानसभा नहीं चली, कोई ऐसा अवसर नहीं हुआ, मैंने कभी कोई ऐसा सत्र नहीं देखा कि विधानसभा स्थगित ना हुई हो। स्थगित होती थी, फिर सारे नेताओं को बुलाया जाता था, फिर आपस में विचार विमर्श होता था, फिर बातचीत होने के बाद फिर बैठते थे, लेकिन पूरे सत्र में एक बार भी विधानसभा स्थगित नहीं हुई। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि सरकार के सारे मंत्री उसके लिए तैयार होकर आते थे। अगर मंत्री तैयार होकर ना आते, अगर उत्तर अधूरा होता तो स्वाभाविक है ये लोग यहां पर बीच में होते। उत्तर भी पूरा था और जवाब भी सही था और सवाल भी सही था, दोनों बातें सही, जवाब और सवाल सही तरीके से यहां पर लगे और उस नाते से यहां पर सब कुछ हुआ। मैंने कहा कि मेरे पास वो संख्या है कि कितने हमारे नौजवान साथी जीत कर आए। हम सब लोगों ने, बहुत सारे लोग जो नए सदस्य जीत कर आए, उनमें जो उत्साह देखा मैंने, उनमें जो ललक देखी मैंने सीखने की, मैं उसकी जितनी भी प्रशंसा करूं कम है।